इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य सम्राट अशोक के दौरान दमन मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वहीं दीव का अस्तित्व भी मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर कब्जा कर पुष्यगुप्त को इस इलाके का दायित्व सौंपा। जूनागढ़ के पास गिरनार से शासन चलाने वाले पुष्यगुप्त के अधीन दीव भी था। ऐसा भी माना जाता है कि सम्राट अशोक के पोते संप्राप्ति ने सौराष्ट्र पर शासन के दौरान दीव में कई जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। करीब 8 सदी तक दमन कई हिंदू राजाओं और कबीलाई राजाओं के शासन में रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि दीव कभी इंडो ग्रीक राजाओं के अधीन रहा, कभी हिंदू राजाओं तो कभी मुसलमान राजाओं के भी अधीन रहा। सन 1465 में गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा ने दमन और पारनेरा के किलों पर जीत हासिल की, जिसके बाद ये जगह जगत शाह के अधीन आ गई। संत जेरोम किला नानी दमन में 1614 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच बना है। इस किले का निर्माण मुगल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किया गया था। इस किले में 3 बुर्ज हैं। इस किले के सामने नदी बहती है। इस किले में उसका संरक्षक संत की मूर्ति स्थापित है। इस समय इस किले में एक कब्रिस्तान और एक स्कूल है। इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण वर्ष 1535 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा मुगलों, गुजरात सल्तनत और राजपूतों को पुर्तगालियों पर आक्रमण करने से बचने के लिए किया गया था। पुर्तगाली का शासन लगभग 1537 ईस्वी में शुरू हो गया था और किला वर्ष 1961 तक पुर्तगाली के अधीन बना रहा था। दीव किला से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बहुत खास हैं। इस अद्भुत किले का निर्माण वर्ष 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा मुगलों और राजपूतों से अपनी रक्षा करने के लिए करवाया गया था। वर्ष 1961 ईस्वी में ये किला और द्वीप दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे, जिसके बाद ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों को उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस किले के 3 तरफ के हिस्से समुद्र से लगते हैं। इस किले के बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच एक दुगनी खाई स्थित है, जो आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है और इस किले को भी अलग करती है। इस किले के एक छोर पर एक बड़ा प्रकाश घर यानी लाइट हाउस भी स्थित है, जो इस किले की दीवारों, गेटवे, मेहराब, रैंप और किले के गढ़ों के खंडर को सुरक्षा प्रदान करती थी। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म राम सेतु के लिए दमन दीव में शूटिंग भी की थी। समुद्र किनारे लोग टहलते हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। रात के वक्त यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। सूर्योदय कुदरत का एक अनमोल उपहार है। ये हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। तो हम अपना सफर जारी करते हुए पहुंच गए सूरत। एरियल व्यू में कितना सुंदर दिखाई देता है सूरत। ऐतिहासिक दस्तावेजों में सूरत विश्व व्यापार के मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख बंदरगाहों में से एक बनकर उभरा। क्या इस तरह का बाजार कहीं देखा है आपने? नहीं ना? और इन बोरियों में रखी ये अजीबोगरीब सी दिखने वाली चीज आखिर है क्या? जनाब, यही तो खासियत है इस शहर की। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है खाने के पत्थर।
जी हाँ, खाने के पत्थर। सड़क किनारे हर रोज लगता है ये बाजार और यहाँ बिकता है खाने वाला पत्थर। छोटे बड़े पत्थर यहाँ बेचे जाते हैं। लोकल लोग अपने स्वाद के मुताबिक इन्हें खरीदते हैं। ऐसी होती है ना काली, जितना काला होता है वो स्वाद में अच्छा लगता है। छोटे बड़े आकार के पत्थरों को बड़े चाव से खाया जाता है। इसी बाजार से थोड़ी दूर पर एक ऐतिहासिक महल है। सूरत कैसल कहो या सूरत किला, बात तो एक ही है। ये किला 16वीं शताब्दी में अहमदाबाद के राजा सुल्तान महमूद तृतीय ने शहर को बार बार होने वाले हमलों से परेशान होकर इसके निर्माण का फैसला लिया था। सुल्तान महमूद तृतीय का शासनकाल 1538 से 1554 ईस्वी के बीच माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बार बार होने वाले हमलों से यह इलाका तबाह हो गया था। एक तुर्की सैनिक सफी आगा को यहाँ एक महल बनाने का काम सौंपा गया, जिसे खुदावंद खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खुदावंद खान ने शुरू में महल के निर्माण के लिए 3 वैकल्पिक स्थलों का चयन किया। इस महल का निर्माण वर्ष 1546 में पूरा हुआ था। ये ऐतिहासिक महल तापी नदी के तट पर लगभग 1 एकड़ भूमि पर बनाया गया था। संरचना के प्रत्येक कोने पर लगभग 12.2 मीटर ऊंचा एक बड़ा गोल टावर है। इस संग्रहालय में तत्कालीन राजा की व्यक्तिगत चीजों के अलावा अन्य वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं, जिसमें खास तौर पर एक सोफे नुमा सिंहासन एवं हुक्का है। धातु की सुराही एवं प्लेट, कटोरदान, कुछ लिखित दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा फोटो गैलरी भी इतिहास की जानकारी देती है। संगमरमर का फर्नीचर भी सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मिट्टी के बर्तन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तोप गोले भी देखने को मिलते हैं। युद्ध के दौरान अपने शरीर को बचाए रखने के लिए भारी भरकम कवच बहुत आकर्षित करते हैं। लड़ाई के दौरान इस्तेमाल में आने वाले हथियार देखते ही बनते हैं। पहली मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां गवाह हैं कि ये महल कितना खूबसूरत रहा होगा। दीवारों के पर्दों की ऊंचाई टावरों के समान है और दीवारों की मोटाई 4.1 मीटर है। महल के पूर्वी विंग पर एक विशाल द्वार है, जिसमें बाहरी तरफ उभरी हुई कीलों से सुसज्जित मजबूत दरवाजे के शटर हैं और आंतरिक तरफ एक सजावटी वास्तुशिल्प उपचार है। इस महल की सबसे बड़ी खासियत है स्नानागार। नहाने के लिए भूमिगत स्नान घर बनाया गया था। पानी की निकासी को नालियां और रोशनी के लिए झरोखे बहुत शानदार हैं। नहाने के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। मेहमानों से मुलाकात करने की अलग व्यवस्था दिखाई देती है। यहीं एक और संग्रहालय देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ अत्याधुनिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें चीनी मिट्टी के पात्र सभी को अपनी ओर खींचते हैं।
इसके अलावा यहाँ आप पुरानी मूर्ति भी देख सकते हैं। ये एक गैलरी नुमा संग्रहालय है। इसकी ऊपरी मंजिल पर आभूषण और वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस ऐतिहासिक एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और खास जानकारियों के साथ फिर होंगे रूबरू। आप अपना रखिए ध्यान, रहिए मस्त और व्यस्त। नमस्कार।